हेलो दोस्तों, आज दी पंजाब जीके दी इस वीडियो विच आपां मेडिवल हिस्ट्री ऑफ पंजाब कंप्लीट करांगे, जिस विच आपां अज दिल्ली सल्तनत बारे पढ़ांगे ते नेक्स्ट वीडियो विच आपां मुगल सल्तनत जां मुगल पीरियड बारे पढ़ांगे। तां सब तों पहलां आपां देख लैंदे हां कि दिल्ली सल्तनत विच आपां अज की कुछ कंप्लीट करना है। तो सब तो पहला आप दिल्ली सल्तनत विच सलैब डायनेस्टी पढ़नी है, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी बारे पढ़ना है, फिर सैयद ते लोधी डायनेस्टी बारे आप पढ़ांगे। तो आप उस तो बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस तो बाद उस विच आप मुगल्स कंप्लीट करांगे, क्योंकि आपां नूं पता कि जदों मुगल पीरियड चल रहा सी उस दे कंटेंपरेरी जां सेम ही पीरियड विच आपां सिख गुरुआं बारे पढ़ते हाँ। तां करके आपां नेक्स्ट वीडियो विच सिर्फ मुगल पीरियड नाल रिलेटेड सिर्फ आपां राज्यां दे नाम देखांगे ते ये देखांगे कि उन्हां दे टाइम विच किहड़े किहड़े गुरु सन, ते आपां जो मेन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है वो अपने गुरु साहिबाना नाल रिलेटेड कंप्लीट करनी है, क्योंकि उस समय पंजाब का जिन्ना भी एरिया सी जां जो भी पंजाब विच हो रहा सी वो अपना सिखिज़म दे नाल ही चल रहा सी। तो आपां उस विच सिखिज़म जां गुरुआं बारे ही ज़्यादा पढ़ांगे। तो चलो आपां अज दी वीडियो शुरू करते हाँ। तो सब तो पहलां आपां जदों दिल्ली सल्तनत की गल करते हाँ तो दिल्ली सल्तनत दी शुरुआत जो सी जदों मुहम्मद गौरी ने अपने इत्थे इंडिया जां पंजाब ते हमला करिया सी। हमला करन तो बाद वो तो खुद वापस चला गया सी ते उसने कुछ अपने इत्थे गवर्नर अपॉइंट किए सन, जेडे कि अपने उस दे इंडिया दे जेड़ा जेड़ा उन्हें राज जितया होया सी उस विच अपॉइंट किए सन। तो सब तो पहला अपने इंडिया की गल कर रहे हैं तो इंडिया विच दिल्ली सल्तनत की सब तो पहला सलैब डायनेस्टी इस्टैबलिश हुंदी है, ते उस दे जो रूलर सन वो तुर्किश जा तुर्किश रूलर सन, क्योंकि वो तुर्क वगैरह तो आए सन तो उसनों तुर्क रूलर भी कहा जाता है। तो जो सब तो पहला डायनेस्टी सी आपां गल करी सी सलैब डायनेस्टी दी, तो सलैब डायनेस्टी का जो पीरियड टाइम पीरियड सी वो 1206 तो लैके 1290 तक का सी। उस तो बाद खिलजी डायनेस्टी आउंदी आ 1290 विच, ते 1290 तो लैके 1320 एडी तक तो अपनी खिलजी डायनेस्टी राज करती है। खिलजी डायनेस्टी का राज सिस्टम हुंदा है। उस तो बाद तुगलक डायनेस्टी स्टैबलिश हुंदी आ ते वो 1320 तो 1414 तक रहिंदी आ, फिर सैयद 1414 तो लैके 1451 तक, ते लोधी डायनेस्टी फिर 1451 तो लैके 1526 तक। ते 1526 विच बाबर हमला करदा, ते बाबर दे हमले तो बाद ये जो अपना इंडिया दा जा दिल्ली सल्तनत जा दिल्ली दा एरिया सी वो बाबर दे अंडर आ जांदा, ते उस तो बाद मुगल पीरियड शुरू हो जांदा। ते मुगल पीरियड बारे आपां गल नेक्स्ट वीडियो विच करांगे। तां चलो आपां अज दिल्ली सल्तनत बारे पढ़ते हाँ। तो दिल्ली सल्तनत विच पहला आपां इसका मैप दे जरिए देख लेंदे हाँ कि कीड़ा कीड़ा एरिया उन्होंने कवर किया होया सी। ये जो ब्लू कलर में तुसी मैप में देख रहे हो ये ब्लू कलर तक का जो एरिया है रजिया सुल्तान जदों बनी सी अपने पहली दिल्ली सल्तनत दी किंग जा रूलर, तां उस समय ये एरिया जो सी दिल्ली सल्तनत दे अंडर सीगा। तां उस तो बाद जो हौले हौले दिल्ली सल्तनत जिमें जिमें अगे बनती गई जां वख वख डायनेस्टियां आउंदियां गईयां तां उन्हां ने कुछ इत्थों नीचे तक का एरिया भी कवर करिया होया सी। तो आप जदों हुण पंजाब हिस्टरी कर रहे हैं तो आप पंजाब हिस्टरी विच जो गल्लां लाहौर नाल जुड़ियां हुई होणगियां जां बठिंडा शहर नाल जां मुल्तान नाल जुड़ियां होणगियां आपां उही गल्लां उही घटनावां बारे जां उही जो उत्थे वापर रहा सी उस समें विच जां कुछ जो भी कुछ होया सी उस बारे ही पढ़ांगे, ते आपां पंजाब दे पॉइंट ऑफ व्यू तो देख रहे हाँ। तो चलो आपां शुरू करदे हां। सब तों पहला आपां देखते हाँ कि जदों मुहम्मद गौरी अपने इत्थे इंडिया ते हमला करदा, हमला करन तो बाद की हुंदा वो इत्थे रुकदा नहीं। मुहम्मद गौरी इत्थों हमला करन तो बाद अपने वापस जित्थों वो आया हुंदा उत्थे चला जांदा,
ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਕੁਬੱਚਾ ਗਵਰਨਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁਬੱਚਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਬੱਚਾ ਨੂੰ, ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਕੁਬੱਚਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਜੋ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਯਲ ਦਾਊਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਾਬੁਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਾਬੁਲ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਯਲ ਦਾਊਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਗਵਰਨਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਬੱਚਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ, ਜਿਸ ਨੇ 1206 ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀ ਉਹ ਸਲੈਬ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜੋ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਗੌਰੀ ਦੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਨੇ 1206 ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1210 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ 1210 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 1210 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਸਲੈਬ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ 1210 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ
जिस नूं राजा बनाया गया, बट वो ज़्यादा टाइम नहीं उत्थे राजा बन सकया क्योंकि वो कैपेबल नहीं सी इन्ना। तो फिर जो इल्तुतमिश दी विश सी, मतलब उसकी इच्छा सी कि उसकी जो बेटी है रजिया सुल्ताना वो ही राजा बने जा उत्थों दी क्वीन बने उसकी संतनत दी। तो फिर रजिया सुल्ताना 1236 दिल्ली संतनत अपनी जो सलैब डायनेस्टी आ उसकी किंग जा सुल्तान बनती है। तो सब तो पहला आप गल कर लें रजिया सुल्ताना पहली ते इकली ही वूमेन है जेडी मुस्लिम रूलर दी मुस्लिम रूलर बनी सी, मतलब मुस्लिम किंग बनी सी जा सुल्तान बनी सी। ये याद रखना कि रजिया सुल्तान फर्स्ट फर्स्ट ही वूमेन सी, फीमेल सी जेडी इंडिया दी भी राजा बनी सी ते इंडिया ते राज करया सी ते मुस्लिम मुस्लिम रूलर जा मुस्लिम पीरियड की गल कर रही है। तो मुस्लिम पीरियड नाल रिलेटेड भी पहली ही ते ओनली इकली सी, इस तो बाद कोई मुस्लिम मुस्लिम नाल संबंधित फीमेल वगैरह किंग नहीं बनी सी। तो आप जो गल कर रहे हैं रजिया सुल्ताना की, तो रजिया सुल्ताना बारे एक गल कई हिस्टोरियन कहते हैं कि वो किसी मतलब उसका एक गुलाम सी मलिक यकूत, मलिक यकूत सी उसका ज़्यादा ही फेवर करती सी जो उसकी साइड ज़्यादा लेंदी सी। तो उसने की किया मलिक यकूत नू अमीरे आखुर बना दिता, यानी कि एक पोस्ट है जिदा अपने आर्मी वगैरह विच पोस्टा होंदिया ना उस तरीके नाल उन्होंने संतनत विच भी पोस्ट सी अमीरे आखुर दी। ये सब तो उच्ची पोस्ट सी क्योंकि उस समय जो भी उत्थे उन्होंने सैनिक वगैरह होंदे सी उन्होंने विच घोड़िया के अकॉर्डिंग उन्होंने घोड़े दिते जाते सी कि तुसी इन्ने घोड़े दे के उन्होंने उस हिसाब नाल रैंक दिता जाता सी। तो जो याकूत सी उसने उसनों सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सिस, मतलब सब तो उच्चा रैंक दिता होया सी। ये मनिया जाता कि उसका फेवर ज़्यादा करती सी, कुछ लगाव सीगा उनके रजिया सुल्ताना का मलिक यकूत नाल। तो फिर की सी जो उस समय का जदों 1236 या रजिया के टाइम पीरियड की गल कर रही है, तो रजिया सुल्तान के टाइम पीरियड विच अल्तूनिया अल्तूनिया गवर्नर सी उस समय बठिंडा का। तो उस समय बठिंडा नूं ताबर हिंडा के नाम तो जाने जाता सी। ये याद रखना सलैब डायनेस्टी के समय जा अपने दिल्ली संतनत की गल करिए तो बठिंडा नूं ताबर हिंडा के नाम तो जाने जाता सी। तो उत्थों का गवर्नर कौन सी अल्तूनिया, रजिया सुल्ताना के टाइम पीरियड समय जो बठिंडा का गवर्नर सी वो अल्तूनिया सी। तो अल्तूनिया ने की करया मलिक जो मलिक यकूत सी उसका कतल करता, उसनू मार दिता ते रजिया सुल्ताना नू आपदे अंडर उसनू जेल विच बंद करता। जेल च बंद करन तो बाद रजिया सुल्ताना ने की किता अपना राजपाट नू बचाउन लई उसने अल्तूनिया नाल विआह करवा लिया। मतलब जदों उसने मार दिता याकूत नू तो फिर उसने कुछ समय अल्तूनिया ने रजिया सुल्ताना नू जेल च रख्या, पर रजिया सुल्ताना ने रजामंद हो के अल्तूनिया नाल ही विआह करवा लिया। याद रखना रजिया सुल्ताना का विआह किस नाल अल्तूनिया नाल होया सी ते अल्तूनिया कौन सी गवर्नर ऑफ बठिंडा जा ताबर हिंडा। फिर उस तो बाद की होया जो अपने सलैब डायनेस्टी नाल रिलेटेड एक राजा सी बहराम बहराम शाह, बहराम शाह ने की किया जदों अपनी रजिया सुल्ताना ने विआह करवा लिया अल्तूनिया नाल, तां वो बठिंडा तो दिल्ली वाल अपना कूच कर रही सी कि अपने हुण विआह कराने तो बाद उन्हें संतनत तां संभालनी सी ते दिल्ली का राजपाट संभालना सी, तो दिल्ली वाल आ रही सी। तो रस्ते विच ही बहराम खां ने इत्थे बाय आ आ रही है बहराम शाह ने उसनू अल्तूनिया ते रजिया सुल्ताना नू मार दिता, रस्ते विच ही मार दिता। तो इस करके जो रजिया सुल्ताना है उसकी जो कबर है वो कैथल शहर विच है जिहड़ी कि हुण इस समय हरियाणा विच है। कैथल शहर उत्थे रजिया सुल्ताना की कबर बनी हुई है। ये गल्लां याद रखनियां मोटिया मोटिया कि जो कुतुबद्दीन ऐबक सी वो सलैब सिंह मुहम्मद गौरी का उसने सलैब डायनेसिटी फाउंड की सी ते उसने सब तो पहला लाहौर नू अपनी कैपिटल बनाया सी सलैब डायनेस्टी दी। उस तो बाद इल्तुतमिश की गल करिए तो इल्तुतमिश ने की करया सी लाहौर तो कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली बना ली सी। तो उस तो बाद जो रजिया सुल्तान बनी सी 1236 बनी सी। इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आप राजा बारे सुल्ताना बारे गल करनी है तो वो पहली वूमेन सी जी फीमेल बनी सी मुस्लिम की भी तो इंडिया की भी जी राजा बनी सी।
तो उस तो बाद गल करिए तो उसने जो मलिक का मलिक मलिक यकूत सिंह या मलिक याकूत सिंह उन्होंने अमीरे आखुर दा दिती हुई सी पदवी सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉर्सेस ते अल्तूनिया जो सी उसने विआह करवाया सी। कहानी याद रख लेनी जिहड़ी दस्सिया ईजी हो जाता कोई चीज़ों याद रखना। तो बठिंडे का की सी गवर्नर सी अल्तूनिया, तो बठिंडे उस समय ताबरहिंडे के नाम तो जाने जाता सी। तो बहराम शाह ने मार दिता सी अल्तूनिया ते रजिया सुल्ताना नूं रस्ते विच जदों वह बठिंडा तो दिल्ली वल आ रहे सन, तो उसनों कैथल शहर में ही मारिया सी। तो उत्थे ही उन्हां दोनों की जा अपनी रजिया सुल्ताना की गल करांगे तो रजिया सुल्ताना की उत्थे ही कबर है। तो नैक्सट आपां हुण आपां गल करदे हाँ जो रजिया सुल्ताना सी उसनों बहराम शाह ने मार दिता सी 1240 विच। तो उसके कतल करन तो बाद विच जो बहराम शाह सी उसने 1240 तो लैके 1242 तक राज किया। तो फिर उस तो बाद जो राज करया सी मसूद शाह ने करया सी 4 कु साल 1242 तो लैके 1246 तक का। फिर नसीरुद्दीन मुहम्मद आया जिसने 1246 तो लैके 1265 तक राज किया। आपां इन्हां बारे ज़्यादा नहीं पढ़ांगे क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत विच ही अपना राजपाट चला रहे सी, उत्थों दे नाल रिलेटिड ही इन्हां सारा कुछ जो भी करया सीगा। तो इंपोर्टेंट राजा की गल करांगे तो वह अपना महत्वपूर्ण राजा उस तो बाद जिहड़ा बनता सलैब डायनेसिटी का वह बनता बलबन। तो बलबन 1266 विच बनता तो 1286 तक वह राजा रहिंदा। तो वह लगभग 20 साल का टाइम पीरियड हो गया, 20 साल तक उसने राज किया। तो आप बलबन ते नसीरुद्दीन मुहम्मद का रिलेशन बारे गल कर लेंदे हाँ। तो जो बलबन सी वो नसीरुद्दीन मुहम्मद का सौरा सी, यानी कि जो बलबन की कुड़ी सी वो नसीरुद्दीन मुहम्मद नाल व्याही हुई सी। तो की होया सी जो नसीर अपना बलबन सी वो नसीरुद्दीन मुहम्मद का एक किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कि उनके अंडर काम करता सी, किसी भी रैंक दे सी छोटे मोटे। तो उसने की करया अपनी कुड़ी का विआह नसीरुद्दीन मुहम्मद नाल करा दिता। तो आप खुद उच्चा रैंक उस समय लै लिया। उच्चा रैंक लैन तो बाद जदों नसीरुद्दीन मुहम्मद की मौत होंदी आ तो अपने आप नूं वो राजा घोषित कर दिंदा क्योंकि वह प्राइम मिनिस्टर का जिवें आपां गल करदे आं तो उसका उच्चे रैंक विच ही सी बलबन उस समय जदों नसीरुद्दीन मुहम्मद की डैथ होंदी आ। तो उसने फायदा उठा लिया अपनी कुड़ी नूं उस दिन विआह करवा के रैंक उच्चा लै लिया। तो रैंक उच्चा लैन तो बाद विच आप ही राजा बन गया। तो उसने राजा बनने तो बाद क्योंकि 20 साल तो यह हो गया तो 20 साल का जो टाइम पीरियड अपने मुहम्मद नसीरुद्दीन मुहम्मद के नाल उस समय जो सीगा 40 साल का टोटल टाइम पीरियड इंदा बलबन का इस राजपाट नाल हो गया सी। तो उसने की करया सी एक बहुत ही वड्डा फोर्ट बनवाया सी, किला बनवाया सी सरहिंद विच, क्योंकि जो ये टाइम पीरियड मुगल का अपना दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा सी आ सारा एरिए की गल हो रही थी। तां ये सारा एरिए विच इत्थों अपने अफगानिस्तान दे उपरों सेंट्रल एशियन तो ईरान इराक वाली साइड तो हमला करना आउंदा सीगा, मुगोल्स हमला करना आउंदे सी। जदों मुगोल इत्थे हमला करदे सी तां काफ़ी नुकसान इस एरिए विच हुण कर जांदे सी। अग्गे तां उह आ नहीं सकदे सी किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई राजा तां रोक ही लैंदा सी इहनां नूं, बट इत्थे हमला करदे तां इसने की करिया एक बहुत ही वड्डा फोर्ट बनवाया सी। ये 40 जां 20 साल जिन्ने भी टाइम पीरियड की गल कर रहे हैं आपां तां एक फोर्ट बनाया सी सरहिंद विच। याद रखना फोर्ट का नाम बारे नहीं कोई गल की हुई, बट आप याद रखना कि एक बहुत वड्डा फोर्ट बनवाया सी उन्हें, एक किला बनवाया सी मुगोल तो बचन वास्ते। जिहड़ी चीज़ां याद रखने वाली होणगियां वो मैं तुहानूं दस दांगा वो चीज़ां याद रखनिया हन। तो बाकी ये जो भी मैं स्टोरी वाइज इस करके करा रहा ताकि ये चीज़ां याद रहन, क्योंकि हिस्टरी नूं बहुत ही बोरिंग सबजैक्ट मन्निया जांदा क्योंकि इस विच डेट्स वगैरह होंदियां। जेकर आपां इस नूं एक स्टोरी दे तरीके नाल देखांगे तां अपने वास्ते पढ़न वास्ते भी आसान होएगी क्योंकि एक स्टोरी नूं आपां जल्दी याद रखदे हां ते जल्दी ही कैचअप करदे हां। क्योंकि एक किताब ये आपां जो नॉलेज मैं करा रहा इह सारी बुक्स विचों भी मिल सकदी आ, तुसीं पढ़ सकदे हो, बट वीडियो विच जदों तुसीं इस नूं देखदे हो जदों कोई तुहानूं सामने वाला समझा रहा हुंदा तां तुसीं इस नूं बहुत ही ईजीली कैचअप कर लैंदे हो। तां ध्यान देना स्टोरी नूं अपने माइंड में बिठा लेना जिस तरीके नाल मैं दस रहा। तो इस तो बाद जो अपना बलबन सी बलबन ने की करया अपना ही कज़न से जो उसका शेर खान नूं गवर्नर बना दिता सरहिंद का। फोर्ट उत्थे बनवाया सरहिंद विच ते उत्थों का गवर्नर किस नूं बनाता शेर खान। याद रखना बलबन के टाइम पीरियड में जो गवर्नर सरहिंद का गवर्नर सी वह कौन सी शेर खान।
ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਲਬਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗੋਲਸ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁਗੋਲਸ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 1285 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਹਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਾਇਕੂਬਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜੋ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ, ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ 1290 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1296 ਤੱਕ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾ 1996 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਾਫੀ ਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਗਲਕ ਖਾਨ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਤੁਗਲਕ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਗਲਕ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਾਂ 1296 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1300 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਤੁਗਲਕ ਖਾਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗੋਲਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗੋਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਗਲਕ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਤਬਦੀਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾ, ਫਿਰ ਨਸੀਰਉਦੀਨ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਖੁਸਰੋ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 320 AD ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1414 AD ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਖਿਲਜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਉਸਦੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਜੋ ਤੁਗਲਕ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਟੇਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੇਕ ਆਏਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਗਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੂਨਾ ਖਾਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜੂਨਾ ਖਾਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ 1325 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1355 AD ਤੱਕ ਕੀਤਾ।
बाकी ज़्यादा आप इन बारे गल नहीं कर रहे क्योंकि आप इन्होंने पंजाब के रिलेटिड कुछ भी नहीं करब के एरिए इन्होंने कोई भी रिलेशन नहीं सी। तो उस तो बाद जो राजा इस तुगलक डायनेस्टी का आता फिरोज शाह तुगलक ये इंपोर्टेंट आ, तो इस बारे आप पढ़ा क्योंकि ये पंजाब नाल संबंध रखता तो बहुत ही गूढ़ा संबंध रखता। क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक सी उन्हें 1351 तो लैके 1388 तक का राजपाट ज राज किया सुल्तान रहा सी। तो ये बहुत ही पावरफुल सी अपनी डायनेस्टी का राजा। तो इसने की करया सी सब तो पहला इसने एग्रीकल्चर नूं इंप्रूव करन लई वधिया बनाउन लई बहुत सारे काम बहुत तरह के स्टैप वगैरह उठाए सी। तो उन्होंने जो एक स्टैप सी कि उसने नहरां की खुदाई शुरू की सी, नहरां बनवानियां शुरू कर दित्तियां सी, वड्डियां वड्डियां नदियां विचों नहरां कढ के उसने खेतों तक पहुँचानियां शुरू करतियां तां जो खेती विच पानी पहुँच सके ते खेती हो सके। अगे तां जो अपने गल करदे आं इंडिया जिथे जिथे नहर हुंदी सी उहदे नेड़े तेड़े ही एग्रीकल्चर हुंदा सी, पानी जिथे नहीं पहुँचदा सी उत्थे एग्रीकल्चर नहीं हुंदी सी। तां उसने एग्रीकल्चर नूं वधाउण लई नहरां की खुदाई शुरू कर दित्ती, नहरां बनवाउणियां शुरू कर दित्तियां। तां उस दे इस दे नाल एक रिलेटिड है जो गल इंपोर्टेंट है वैरी वैरी इंपोर्टेंट याद रखना कि उसने एक जो नहर खटवाई सी जां कनाल बनवाई सी तां उह सतलुज विच्चों एक नहर भी बनवाई सी। याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने सतलुज नदी विच्चों सतलुज रिवर तों एक नहर दा कंस्ट्रक्शन करवाई सी जां नहर बनवाई सी जो कि पंजाब दी पंजाब विच है सतलुज दरिया नदी सतलुज ते उस दे विच्चों नहर खिंचवाई सी। याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। तां जो फिरोज शाह तुगलक सी इहनूं बहुत शौक सी, शौक किस दा सी, एक तां उसने एग्रीकल्चर वधिया करन लई बहुत कुछ कीता, एक उहनूं शहर बनाउण दा बड़ा शौक सी। इहने बड़े सारे शहर बनवाया, दिल्ली दे नेड़े भी इहने जो लाल किला उहदे नेड़े भी एक फिरोजाबाद शहर बनवाया। तां जो अपना पंजाब दा फिरोजपुर शहर है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया सी, जां कह सकदे हां उसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की सी। ये भी याद रखना अपना पंजाब का जो फिरोजपुर शहर है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया सी। इंपोर्टेंट है, वैरी वैरी इंपोर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है जी, तो आप हुण अगे वधदे हां क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो लंबी हो रही है जरूरी भी है क्योंकि आप मेडिवल हिस्ट्री दो ही लैक्चर से कवर कर रही हाँ, तो वीडियो थोड़ी जी लंबी ही करनी पैनी है। तो आप नैक्सट वीडियो में मुगल्स करांगे, मुगल्स बारे इन्ना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा देखांगे। तो आप चलो हुण उस अगे करते हैं, फिरोज शाह तुगलक तो बाद जिहड़ा बनता राजा बनता वह बनता नसीरुद्दीन मुहम्मद। तुगलक डायनेस्टी का इन्हें 1390 तो लैके 1398 तक राज किया सी। तो इसका जदों इसने राज किया सी ये इंपॉर्टेंट इस बारे क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जदों ये राज कर रहा सी उस समय मुगोल्स या तिमुर ने अटैक किया सी दिल्ली ते। तो जदों हुण आपां गल करांगे जदों भी कोई दिल्ली ते अटैक करेगा आऊगा कित्थों पंजाब वाली साइड तो, तां इसने पंजाब तो आके दिल्ली ते अटैक कर दिता। ते अटैक करन तो बाद इसने की किया सारा कुछ अपने कंट्री विच जिन्ने भी इन्हां जिहड़ा भी अगों आउंदा सी सारा कुछ खत्म करता जांदा सी, राजपाट वगैरह जिहड़ा भी सीगा मतलब उस समय लड़ाई विच जिवें भी करदे हुंदे सीगे खत्म करना शुरू कर दिता, डिस्ट्रॉय कर रहा सीगा सारी अपनी कंट्री दे विच, बहुत जगह ते इन्हें नुकसान करिया। तां इसने सब कुछ खत्म करन तो बाद लड़ाई करन तो बाद इसने वापस वाल अपने घर वाल जाण वास्ते मार्च शुरू किया, मतलब कि वापस नूं तुर पिया सी अपने घर वाल, बैक टू होम ही मतलब मार्च टू बैक होम दैट टाइम दे पास फ्रॉम, मतलब जदों वापस जा रहा सी ते पंजाब दे रस्ते तो आया सी, आप कह सकते हैं विचों पंजाब दे ना आया होएगा, थोड़ा जिहा उपरों घूम के मुल्तान वाली साइड तो इत्थे गुजरात वाली साइड तो दिल्ली वाली साइड चला गया होएगा, बट जदों ये वापस जा रहा सी तां ये पंजाब दे रस्ते जो रस्ते विचों जा रहा सी, तां जदों पंजाब जा रहा सी जां पंजाब दे विचों लंघिया तां ये किहड़े किहड़े अपने जिलों विचों लंघ के गया सी वो याद रखना। सब तो पहला ये अंबाला विचों लंघिया सी, फिर रूपनगर विचों, होशियारपुर ते कांगड़ा। याद रखना है जी पंजाब विचों केड़ी केड़ी जगह तो लंघिया सीगा जदों तिमूर जां मुगोल की गल कर लैन जां तिमूर की गल कर लैन भी उन्हें जदों हमला किया सी अपने दिल्ली सल्तनत जां दिल्ली ते तो उत्थों जदों वापसी गया सी वो केड़े केड़े शहर विचों लंघ के गया सी जां लंघ के आया सी ये भी याद रख लैना। यही शहरों का नाम याद रखना अंबाला, रूपनगर, होशियारपुर ते कांगड़ा। तो उस तो बाद आप नैक्सट गल करते हैं, स्पैलिंग मिसटेक है,
ध्यान नहीं देना इस वेले। ते नैक्सट जो तो गल करते हैं, ये फिर जम्मू वल जम्मू चला गया सी, मतलब इतों हुंदा होया वो जम्मू वाली साइड दे सीधा। जो अपने इंडिया की गल करते हैं, जे इत्थे इत्थे दिल्ली सी, दिल्ली तो इतों सीधा इधर दी अफगानिस्तान वाली इतों निकलिया सी, जां अपने पाकिस्तान लाहौर वाली साइड तो नहीं निकलिया, इतों जाके अपने पंजाब विचों ही जम्मू वाली साइड वड़िया सी। तो जम्मू विच जदों जाण तो वड़न तो पहला एक पठानकोट दे मतलब पठानकोट दे रस्ते तो वड़िया सी, मतलब पठानकोट विचों भी होके गया सी, ये याद रखना। तां इस नाल होर गल एक याद रखनी कि इस दे रस्ते विच जो भी कुछ आ रहा सीगा पंजाब दे विच भी इसने काफ़ी नुकसान करिया सी, जिहड़ा रस्ते विच जो भी आंदा सी इसने उसनू खत्म करदा जांदा सी। एक इहदे नाल रिलेटेड होर गल आ, तिमूर ने जदों हमला कीता वापस जा रहा सी तां इसने रूपनगर दा एक राजा सी रतन सिंह, तो उसने इसनू रोकण दी कोशिश कीती। हुण देखो अपना इत्थे जे राजपाट है, इत्थों जे कोई दिल्ली तों वी इत्थे जा रहा इहदे विचों लंघेगा तां आपां तां इहनू रोकांगे ही, वी साडे राजपाट डर तां होऊगा कि अपने इत्थे हमला ना कर दे जां कुछ भी। तो इसने रतन सिंह ने जो राजा रतन सिंह सी अपने राजपुरा दा उस अपने सॉरी राजपुरा दा नाम आ गया अपने रूपनगर दा, उत्थों दे राजा रतन सिंह ने इसनों रोकण की कोशिश की, पर अफसोस वो नहीं रोक सकिया क्योंकि जिहड़ा बंदा इन्ना दिल्ली संतनत नूं खत्म करके जा रहा वापसी, वो इत्थे एक राजे कोलों मे बी कित्थे रुक सकदा सी, तां इहनूं भी हरा के वो नैक्सट अगे चला गया। तो हुण आपां गल करदे आं सैयद डायनेस्टी बारे। तो जदों आपां लास्ट जो गल की थी तुगलक डायनेस्टी दे टाइम विच तिमूरस ने हमला किया, तो हमला करन तो बाद जदों वापस चले गए सी तो उसने जो अपना इत्थों दा एरिया सी उसने अपॉइंट उत्थों दा गवर्नर कर दिता, खिजर खान नूं गवर्नर बना दिता सी। तिमूर ने मुल्तान दा गवर्नर बना के चले गए सी, क्योंकि हुण मुल्तान दी गल हो रही है, पंजाब दा एरिया जिहड़ा पाकिस्तान वाले साइड आ उस समय पंजाब विच ही गिणिया जांदा सी। तां मुल्तान नूं उसने की करिया गवर्नर बना दिता, सॉरी जो खिजर खान सी उसनू मुल्तान दा गवर्नर बना दिता सी। तां फिर कि जो खिजर खान सी उसने 1414 यानी कि वह आपां गल कर रहे सी वह कुछ 1398 विच उन्होंने हमला वगैरह करिया सीगा ते वापस चले गया सी। तां की कीता 1414 विच जो खिजर खान सी उसने नवीं डायनेस्टी अपनी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी नूं इस्टैबलिश कर दिता ते अपना राजपाट नूं घोषित कर दिता इत्थे इंडिया विच, जां दिल्ली दिल्ली दी राजधानी जां दिल्ली तों अपना राज नूं शुरू कर दिता सैयद डायनेस्टी। तां उसने की कीता, इस दा जो टाइम पीरियड चल रहा सी ना खिजर खान दा, उस समय सुल्तान जो एक सुल्तान सीगा शाह लोधी, वो बहुत ही पावरफुल गवर्नर सीगा अपने सरहिंद अपनी सरहिंद दा, जो पावरफुल गवर्नर उस समय जां इहदे टाइम पीरियड की गल करिए 1414 ते तो लैके 1421 21 तक का जो टाइम पीरियड सी, उस समय शाह लोधी जो सी वो गवर्नर सी सरहिंद दा, ते बहुत ही ताकतवर ते पावरफुल गवर्नर सी। याद रखना है खिजर खान के टाइम पीरियड में शाह लोधी सरहिंद दा गवर्नर सी, ते तिमूरस ने खिजर खान नूं मुल्तान दा गवर्नर अपॉइंट किया सी इत्थे इंडिया ते जां पंजाब ते हमला करन तो बाद, दिल्ली ते जदों हमला किया सी उस तो बाद जदों वापस गए सन। तां जो सी अपना शाह लोधी दी गल हो रही आ, तां शाह लोधी ने हराया सी सरगा खान नूं, ये याद रखना निक्के निक्के पॉइंट आ दिमाग च बिठा लेने, इसनू चीज़ों अब तुसी अपने ही तरीके नाल लिख सकते हो, जिद्दां भी मैं स्टोरी दस रहा तुसी अपने तरीके नाल इसनू याद रख सकते हो, नहीं तां इसनू तुसी लिख भी सकते हो। ते बाकी ये जो अपनी आपां गल कर रहे हैं इस लैक्चर की, इसकी PDF फाइल मैं अपने इस वीडियो के YouTube दे जो अपना डिस्क्रिप्शन लिंक है उनके पा दाँगा, तुसी उत्थों ये PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, तो सारी जानकारी नू याद रखने लई। उस तो बाद गल करते हैं जो अपना जो आप गल कर रहे सी सरग खान दी, जो भी आ तो इसने चैलेंज किया सी खिजर खान नू सरहिंद दे नेड़े, तो इन दोनों दे विचकार सरग खान ते खिजर खान विचकार लड़ाई हुई सी, लड़ाई हुई तो जितते हारन दी तां गल दूर दी आ, ये जो सरगा खान सी ये उत्थों भज गया सी, ते भज के जो शिवालिक हिल्स अपने पंजाब दे उपर हिमालय पर्बत दी रेंज हैगी शिवालिक हिल्स उत्थे जाके पहाड़ियों विच लुक गया सी। तो उस तो बाद कुछ थोड़े ही समय बाद की होया, उस अपने खिजर खान ने रूपनगर दे कोल इसनू हरा दिता सी सरगा खान नू। ये चीज़ां याद रखनियां थोड़ा थोड़ियाँ
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਵਰਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ 1421 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1433 ਏਡੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਸਰਤ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਖੋਖਰਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਖੋਖਰਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਬਣਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੱਕ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਸਰਹਿੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾ, ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਡੈਡ ਡੈਡ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾਦ ਬੋਲੋ ਡੈਡ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਡੈਡ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾ ਡੈਡ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਦੀਨ ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ 1451 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1451 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ 1526 ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। 1526 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਰਤ ਖੋਖਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਸੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਨ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸਦੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 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 ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ, ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1520 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1520 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ 1520 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1520 ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1520 ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨਵੇਡ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸਨੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ 1524 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1526 ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
तां आपां पहलां वी गल कीती, जदों आपां मुगल्स दी गल करांगे, मुगल्स दे टाइम पीरियड दे नाल मुगल्स दी गल होएगी, तां मुगल दे टाइम पीरियड नाल अपने सिखिज़म गुरु जां गुरु साहिबानां बारे जरूर गल होएगी, क्योंकि उहनां दे टाइम पीरियड जदों गल करने आ, गुरु नानक देव जी दा 1469 विच जन्म हुंदा, तां उह बाबुर दे टाइम ते गुरु नानक देव जी प्रेजेंट सन, तां उस समय आपां सिखिज़म दी लहर शुरू हुंदी अपने पंजाब विच, तां जो पंजाब दी हिस्ट्री आ उह सारी दी सारी सिखां नाल रिलेशन विच आ जांदी जां सिखां नाल रिलेट करदी आ मुगल्स दे टाइम ते। तां आपां जो नैक्सट वीडियो विच मुगल्स बारे पढ़ांगे, मुगल्स बारे आपां इन्ना पढ़ांगे कि किहड़े मुगल राजे दे टाइम ते अपने किहड़े गुरु साहिबान सन, तां उहनां दोनां दे मुगल्स ते अपने गुरु साहिबानां दे की रिलेशन सन। उस तो बाद नैक्सट आपां जो सारी हिस्ट्री करनी है सिखिज़म नाल रिलेटिड करनी है, सारे गुरुआं बारे आपां पढ़ांगे। तां अगे गुरुआं बारे पढ़न तो बाद जदों भी महाराजा रणजीत सिंह बारे आपां अगे पहुँचांगे, रणजीत सिंह महाराजा रणजीत सिंह तो बाद जदों भी ब्रिटिश इंडिया आउंदा, तां उस बारे भी आपां नैक्सट वीडियो विच आने वाले समय में गल करांगे। तां पंजाब दी पूरी डिटेल हिस्ट्री जेकर तुसीं पढ़ना चाहुंदे हो तां मेरे इस यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। जे वीडियो चंगी लगी, जे नॉलेज तुहानूं बहुत वधिया लगी जां वधिया भी लगी, तां इक कमेंट करके जरूर दसना ते वीडियो नूं अग्गे जरूर शेयर कर देना। इस नाल मेरा भी हौसला वधदा, मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा पंजाब दी जीके नाल रिलेटिड, ते इस दे कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैं एमसीक्यूज़ भी अपलोड करांगा, जो भी एक दो वीडियोज़ कंप्लीट होणगियां उस तो उन्हां नाल रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी पा दांगा। जिवें पिछे एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करी सी, उस दे क्वेश्चन पांच पार्ट कंप्लीट करके छेवां एक क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ दी वीडियो पाई आ। हुण मिडीवल पार्ट कंप्लीट करके मिडीवल नाल रिलेटेड कुछ आंसर क्वेश्चन आंसर इस वीडियो पा दांगा वीडियो दे फॉर्मेट विच, ते नैक्सट अगे जदों आपां गुरु साहिबानां दी हिस्ट्री कंप्लीट करांगे उस समय गुरु साहिबानां नाल रिलेटेड जिन्ने भी क्वेश्चन आंसर होणगे वो अपलोड मैं कर दांगा। तां थैंक यू फॉर वॉचिंग, ते लाइक शेयर कमेंट करना ना भुल्यो, ते चैनल सबसक्राइब कर रहे हो, तां मिलदे हां आपां नैक्सट वीडियो विच। थैंक यू।